क्यों बच्चा, क्यों? ये मेरी मम्मा है और मुझे अपनी मम्मा के पास ही रहना है। नहीं, कुछ गड़बड़ है। वेद ने जो किया वो नॉर्मल नहीं है। कोई बच्चा अपने माँ के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वेद को किसी ने जरूर कुछ किया है। वेदिका दी, जरूर उन्होंने ही कुछ किया है मेरे बच्चे को। मैंने बस वेद को प्यार किया है, प्यार किया है। शुरू से जब मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये मेरा बेटा है, तब भी बस प्यार किया और आज भी वही कर रही हूँ। कुछ नहीं बदला है। मैं जानती हूँ तुम मुझे गलत समझती हो और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, पर मैं जो कर रही हूँ कोई भी माँ वो करती है। अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ मैं, जो गलत नहीं। वेद मेरा है और मैं चाहती हूँ कि ये मुझे मिल जाए, पर मैं ये नहीं चाहती कि ये अपने मामा पापा को खो दे या उनसे नफरत करे। भाषणबाजी में आपका कभी कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब आपकी ये भाषण काम नहीं करते क्योंकि सबको आपकी असलियत पता चल चुकी है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप साहिल और मेरे वेद को अपने वश में करना चाहती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि किसी को आप पर भरोसा नहीं है। तो अब आपकी ये घटिया चालें काम नहीं करेंगे। तुम कितने भी लांछन लगा लो मुझ पर भूमि, पर मैं गलत नहीं हूं। मैंने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था। कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है और ये मैं साबित करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। का है इस मनुष्य के कमरे में, काहे लेके आई हो हमको, बोलो। अरे अम्मा, कमरे की तलाशी लेने और क्या। आपने कल रात को साहिल की हरकतें नहीं देखी और आज सुबह वेद को देख के तो हमें पक्का यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें तो जादू टोने का असर पूरा नजर आ रहा है। ये जरूर उस वेदिका का किया धरा है। हमें तो लगता है कोई काला जादू हो रहा है हमारे खानदान पर। जब हम कह रहे थे तब हमारी बात पे तो किसी ने तूल नहीं दिया, किसी ने बात नहीं मानी हमारी। अम्मा, आपकी बात सुन के ही तो हमारा दिमाग ठनका और आज वेद को देख के हमें पक्का विश्वास हो गया, हो ना हो ये सब किया धरा उस वेदिका का है। वेदिका उस वेद को पाने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। और अब तो ये दुनिया के सामने बात बाहर आ गई है कि वेद को जन्म उस वेदिका ने दिया है। हमें तो लगता है साहिल का केस जीतना बहुत मुश्किल है। नहीं, हम अपने वेदों को उस औरत के पास नहीं जाने देंगे, ये हम ठान लिए। तुम खड़ी कहो, चलो ढूंढो ना, देखो कैसे करती है वो औरत। राम,
ये चुड़ैल इस हद तक गिर जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। तो ये कर रही थी छुप छुप के? कम इन। निशा जी। निशा जी देखिए ना, आपकी यादों को गले में डाल के घूम रहे हैं। पिछली बार जब मिले थे तब आपने हमें ये दिया था। आप ना इन यादों को ना छुपा के रखिए, क्योंकि अगर आपकी बड़ी अम्मा ने देख लिया ना तो ऐसी पड़ेगी कि अगला पिछला भूल जाएंगे। वही तो हम कह रहे हैं निशा जी, हमारे बारे में सोचिए। अरे भूल जाइए ये वकालत अदालत जो आपको हमसे दूर रखने के लिए मजबूर कर रही। वैसे भी निशा जी, बड़ी अम्मा आपको ये मुकदमा जीतने नहीं देंगी, और हमें बहुत बुरा लगेगा यदि आप हारेंगी। निशा जी आपकी अम्मा हो या उसकी अम्मा, अगर हमसे टकराएगी ना तो पछताएगी, क्योंकि हारना हमें आता नहीं। अब देखिए ना, आपको हम घुटनों पे ले आए तो आपकी बड़ी अम्मा कहाँ की तोप है? उसको हराना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। आप थक गई होंगी, आइए आपकी थकावट दूर कर दूं। थकान उतारेंगे? ये लो, पैर दर्द हो रहे हमारे, दबा दीजिए। क्या हुआ, देख क्या रहे हैं, दबाइए। तुम्हारी टेंशन से हमें कोई मतलब नहीं है। मेरी कश्ती डूबी ना, तुम्हारे साथ में डूब होगी। तुमने भी कम जिल्लत नहीं दी है पुनीश तिवारी, इस खानदान के साथ तुम्हारा भी हिसाब बराबर करेंगे। अरे ओ वेदिका, कहाँ रहो जरा, हम तुमको बताते हैं। वेदिका, वेदिका! जरा ये देखो, ये कहाँ मिला है, कहाँ मिला है इस औरत के कमरे से, देख रहे हो उसकी करतूतें? लगता है जादू से मेरा सामान वेदिका के कमरे में पहुंच गया। अब करूंगी मैं, और फंसेगी बेचारी वेदिका। क्या कह रही हैं आप, ये सामान मेरा नहीं है? हाँ हाँ, अब तो तू कहीं किसी और ने आके रखा है तेरे कमरे में, है ना? तुझे क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? ये देखो साहिल, देखो तुमको और वेदू को अपने वश में करना चाह रही है ये औरत। अरे इतनी चालाक और चतुर है ये तो हम जानते थे इस औरत को, पर अपना मकसद पूरा करने के लिए इतनी घिनौनी हरकत करेगी ये नहीं पता था हमको। आज तो दिख गया ना तुमको इस औरत का असली चेहरा। अरे इसका दिल और दिमाग उतना ही काला है जितना कि इसका काला जादू। साहिल, तुम्हें भी लगता है कि मैं ऐसा ये सब कर सक, तुम्हें लगता है मैं इतने हद तक गिर जाऊंगी कि मैं जिन्हें चाहती हूँ उन्हें नुकसान पहुंचाऊं? वेद मेरा बेटा है, मेरे बेटे के साथ मैं काला जात, ऐसा सोच के भी मैं कांप रही हूँ। अच्छा, अब तेरे हाथ कांप रहे हैं? अरे चुप कर, माँ की ममता का ढोंग करना बंद कर। अरे तेरी जो औकात है ना, उस सब के सामने आ चुकी है। एक, तू होती कौन है हमारी बेटी को औकात दिखाने वाली? अरे खुद तो उसका बच्चा चोरी कर बैठी है और उसी पर उंगली उठा रही है। हम बताते हैं कि ये सामान
उसके कमरे से कैसे मिला? तूने रखा है ये सब वहां? हमने? हाँ, क्योंकि वेद ने उसे माँ कहा, ये बात बर्दाश्त ना हुई तुम सब नीच लोगों से। बस प्लीज बस कीजिए, आप सब एक दूसरे को दोष देना बंद कीजिए। और वैसे भी ये काला जादू ये सब चीजों में मैं बिलीव नहीं करता। अगर मैं सही हूँ तो भगवान मेरे परिवार की रक्षा करेगा, चाहे कोई जादू टोना करे, काला जादू या बद्दुआ दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सब इतने नफरत क्यों करते हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? ये सब कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने अपने ही बच्चे के ऊपर? जो सच है वो भगवान भी जानता है वेदिका, और किसी के कुछ भी सोचने से सच बदल नहीं जाएगा। इसे कहते हैं परीक्षा की घड़ी। बस तू हिम्मत बांधे रख, कम से कम वेद की खातिर। इसलिए हम तेरे पीछे पड़े रहते थे कि कोई अच्छा आदमी ढूंढ कर अपना घर दोबारा बसा ले। आज अगर यश जिंदा होता तो किसी की मजाल ना होती कि तेरे ऊपर उंगली उठाए। मुझे याद है ना वेदिका, कल दामाद जी की बरसी है। ऐसा कर, घर में शांति का पाठ रखवा ले, शायद इस पुण्य से कुछ अच्छा ही मिले। मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ, मैं वेद को नहीं जाने दूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। दामाद जी के कमरे से उनकी फोटो लेकर पूजा की तैयारी कर ले। वेद से अलग नहीं कर पाएगा, अब मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। मुझे वेद मिल जाएगा? कमाल है, इस बुढ़िया के इतने दीवाने कैसे हैं? कोई मरने को तैयार है तो कोई लूटने को तैयार है। सच में वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यश मेरी मदद करना चाह रहा है। जीते जी, उसने तेरे लिए कुछ नहीं किया, सताया है तुझे। कम से कम मरने के बाद तो उसने तेरी कोई मदद की। माया, ये कागजात इस बात का सबूत है कि यश ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मतलब अग्रवाल ज्वेलर्स के 51% और लीला ज्वेलर्स दोनों ही मेरे नाम पर है। मतलब ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं वेद को पैसे के लिए लेना चाहती हूँ, ये बेबुनियाद है। Exactly, क्योंकि तुझे तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये सारी जायदाद यश ने मेरे नाम पहले ही कर चुका था, तो फिर वो अब किसी और के नाम कैसे हो सकती है, चाहे फिर उसका बेटा ही क्यों ना हो। मतलब वो विल जो थी ना, वो सब झूठी है। I'm so happy for you. इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया। तुमने ठीक से चेक कर लिया ना? जो मैं समझ रही हूँ वही है ना,
यश ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की है, वेद के नहीं, है ना? हाँ, पर ये केस के एक पहलू का सच है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये लोग केस की कार्रवाई में इस बात पर जोर देंगे कि आप वेद को पैदा करते ही छोड़कर भाग गई। और ऐसी माँ को बच्चे की कस्टडी देनी चाहिए या नहीं? पर ये सच नहीं है। ये बात आप और हम जानते हैं। कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आपके मकसद की गवाही नहीं दे सकता। इसके लिए हमें सबूत चाहिए होता है। सबूत मिलेगा, मुझे जरूर सबूत मिलेगा। मैं इन लोगों से अपना बच्चा वापस लेकर ही रहूंगी। और निशा, इसमें तुम मेरी मदद करोगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरे लिए सबसे मुश्किल ये है कि मुझे साहिल से लड़ना है। अपने बच्चे को पाने के लिए मुझे साहिल को हराना है। पकड़ पकड़ मुझे, पकड़ मुझे, पकड़ो। अब भी पकड़ती हूँ मैं तुम्हें। अरे वेद, वेद, आ। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो, तुम न रहो, कुछ ऐसा हो, हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को। ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे के पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल, देखा तुमने कितना खुश है वेद मेरे साथ, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा खून है वो, और तुम उसे मुझसे अलग करना चाहते हो। एक बच्चे को अपने माँ से अलग करना चाहते हो तुम। कितना गलत कर रहे हो तुम। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं हूँ वेदिका जी, मैं गलत नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आपने वेद को जन्म दिया, लेकिन भूमि ने 5 साल से वेद को पाला है। उसका भी वेद पे उतना हक है जितना आपका है। विवेका जी, विवेका जी, विवेका जी। ये सपने मुझे बार बार क्यों आते? विवेका जी से नफरत करता हूँ मैं, तो फिर उनके जज्बातों की परवाह क्यों है मुझे? जो मेरे अंदर कश्मकश है, इसका मतलब क्या है? एक तरफ वेदिका जी है, जो जिसने वेद को जन्म दिया पर उसे छोड़ के चली गई, और दूसरी तरफ भूमि, जो वेद को मां की तरह 5 साल से पाल रही है,
इन दोनों के बीच फैसला क्यों नहीं कर पा रहा हूं। पर ये फैसला मुझे लेना होगा, वेद की खातिर, उसकी भलाई की खातिर, उसकी खुशी की खातिर, क्योंकि ये लड़ाई मैं अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूं। मेरी जान है वो। जितना भी मुश्किल फैसला हो मैं लेने को तैयार हूं।